भाई रे योगी मोदी की सरकार में रे गैया बेजारन को चल रो जोर, फिर बाहर कैसे आऊं मेरे कच्छा कूले गए। ए मंत्री बाहर आ जाइए, ऐसे ही आ जाऊं कब ऐसे ही आऊं? अबे जैसे आपका मन करे वैसे आइए मंत्री। अरे भाई रे सुबह सवेरी उठाया मेरी, अरे चलने को हो गया तैयार। सामने वाली खुंती पे एक फटा पजामा लटका है, भाई सामने वाली खुंती पे एक फटा पजामा लटका है भाई, और ना ज्यादा फट ना जाए मुझे इसी बात का डरना है। सीम दिया धोबी ने जाके सुखा दिया, बस राम के बेहुंदों ने मेरा सारा भेष बिगाड़ दिया। दर्जी को पकड़ दर्जी को जाके पीटूंगा, धोबी को पकड़ के ठोकूंगा, दर्जी को जाकर पीटूंगा, धोबी को पकड़ के ठोकूंगा। तबला सही बजा दे बेटा तो दुनिया के खो दूंगा। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले अरे ज्वर जबाली पर नहीं हमें किसी का घर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। मंत्री या चुटकुटा बंद करो। ए मंत्री महाराज पटंगी पटंगा मंत्री मैं तो मुर्गा बन गया। अबे खड़े हो जाइए मंत्री, या पकड़ो। क्यों इसमें क्या बात है मंत्री? या पकड़ ले। ए मंत्री ये बताइए कि आप इतनी लेट क्यों आए हो मंत्री? लेट के कोई चल सके? अबे लेट कर नहीं मंत्री, आप आपका टूड़ी पर फट गई थी क्या टूड़ी? ये बताइए कि आप इतनी देर से क्यों आए हो मंत्री? तो ना क्यों ना देर से आए हो, तुम भी इंग्लिश में ही बात कर रहे हो। मैंने आने तो पहले समझा था ही मेरा हिंदी। महाराज देर की क्या बताऊं, मेरी शादी अभी जल्दी हुई। शादी जल्दी हुई थी? हाँ। तो ये तो अच्छी बात है मंत्री। तो महाराज का छो दिन बीत गए, मेरी बहू को हो छोरा। भाई ये तो बहुत ही खुशी की बात है मंत्री। वो तो बड़ी दुखी की बात है। वो क्यों मंत्री? मुझे दिन रात बागी जेल रखानी पड़े।
जनानी ना के में कुत्ता खलारी ले जाएगा। मंत्री ऑटो के जेब नहीं रखे जाते हैं। और मंत्री आज मेरी तबीयत और यहाँ कचहरियों में नहीं लग रही। मंत्री कचहरियों में नहीं लग रही, चलो कारे बम्बे में चल रहे हैं, वहां नहा के आएंगे पाप धोएंगे। नहीं मंत्री, और देखिए आज मेरी तबीयत और यहाँ दरबारों में नहीं लग रही। मंत्री दरबारों में नहीं लग रही? हाँ मंत्री। चला तो पहले पहले गिल्लू भाई साहब घर चल रहे हैं। नहीं मंत्री, और हम चाहते हैं कि आज हम और शिकार खेलने के लिए चले। मंत्री शिकार कहीं बाहर खेलोगे? अभी और का शिकार घर में होते हैं मंत्री। शिकार तो घर में ही बहुत हूँ मैं दादा, जनानी माई कितना देख रहा हूँ चौक चौक खाए। मंत्री घर में कौन से शिकार होते हैं? सुन लो, और मक्खी की भुजा उखारू दुर्गा जान डाल 37 48। ए मंत्री ये क्या कर रहे हैं? मंत्री मेरा जान डाल रहा, जान लेकर गई और मक्खी की भुजा उखारू और कच्चा तोड़ू सूत मच्छर को जान संभालू असली रात। अब कदर रीढ़ की हड्डी गई दिखे। मंत्री मक्खी और मच्छरों के शिकार नहीं होते हैं मंत्री। और शिकार जो होता है या तो शेर का होता है मंत्री या मृग का होता है। आज शिकार करेंगे मूंछती को। अभी ये भी कोई शिकार होते हैं मंत्री? बाकी दो छेद हो मैं। मंत्री आप हर वक्त और पिटने की बात क्यों करते हो? जो ज्यादा बोलो ना खोपड़ा फाड़ दूंगा। मंत्री ये मूंछती के भी कोई शिकार होते हैं मंत्री? मैंने कही ना ही दो छेद हो मूंछती के भी। देखो बैसाख में नाच कट के आया हूं। हाँ आता है मंत्री। हमने बोरी एक जगह लगा दी। हाँ बोरी भी लगाते हैं मंत्री। दरवाजे पे तो हाथे सूरत करेगी एक और बोरी के नीचे कर लेगी। हम यहाँ आज कल लेकर बैठेंगे मारा सफा जाएगी। मंत्री यानी वो अपने घर के तो दरवाजे रखती है मंत्री? हाँ तो मंत्री ये कोई शिकार नहीं होते आप मेरी बात सुनिए। हाँ शिकार काय को करोगे? मेरी बात सुनिए मंत्री बतलाइए। मेरी बात सुनिए मंत्री कहिए। और मंत्री घोड़ा तो लइयो घोड़ सार, मंत्री घोड़ा तो लादो घोड़ सार, मंत्री घोड़ा तो लइयो घोड़ सार, मंत्री घोड़ा तो लादे घोड़ सार, मंत्री घोड़ा तो लइयो घोड़ सार, मंत्री घोड़ा तो लाओ घोड़ सार, मंत्री घोड़ा तो लइयो घोड़ सार, मंत्री घोड़ा तो लागे घोड़ सार। हो या पे धरो ए तो नहरो दीन रे, या ते जे बोलो देवी माए की, या पे धरो ए तो नहरो दीन रे, या ते जे बोलो रे देवी माए की। हो या पे धरो तो नहरो दीन रे, या ते जे बोलो देवी माए की, या पे धरो ए तो नहरो दीन रे, या ते जे बोलो रे देवी माए की। सुना मंत्री का कई महाराज? अबे महाराज नहीं कहते हैं मंत्री। काई कह रहे के मंत्री घोड़ा तो लइयो घुड़सार सी, और या पे धरो सुने रोजी नियत जे बोलो देवी माई की। भाई साहब
तुम पर मोटरसाइकिल चावे चश्मा वाले से लग रहे काम है। अरे उसका क्या करेगा मंत्री, मोटरसाइकिल की चाबी है। अबे चाबी का क्या करेगा मंत्री, क्या करेगा चाबी का? अबे तुम ना कह रहे क्या मंत्री, क्या घोड़ा लियो ससुराल ते? अबे ससुराल से नहीं है मंत्री, घोड़ा घुड़सार से लाना है मंत्री। ओ घुड़सार ते मैंने समझी ससुराल ते, कॉलोनी कुंज में ससुराल है, चाबी के पहुंच जाऊंगा मंत्री। ससुराल नहीं जाना आपको, घोड़ा घुड़सारों से लाना है। मैंने सोची कई साल है कि सारी इनते भी मिल जाएंगे। सोरो है का प्रेमचंद मंत्री, इक्का मोड़ करना है आपको, बदलाओ। और मंत्री पातोरे कपड़ा मेरे लाए, मंत्री पातो कपड़ा मेरे लाए, मंत्री पातोरे कपड़े मेरे लाए, मंत्री पाचो कपड़े मेरे लाए, मंत्री पातो कपड़ा मेरे लाए, मंत्री पातो कपड़े मेरे लाए। सुना मंत्री, क्या कही अमराज? अबे तुम्हें तो बड़ी जान पर रही है के मंत्री पाचोरे कपड़ा मेरे लाइए, और कोई पाचो ला हथियारे तुझे बोलो देवी माई की। महाराज कहिए मंत्री, हमारा ना है वो पालन को घर धोबी के घर माई पड़े, चलो जब ने देर को पैसा कम लगा ले महीना के। मंत्री ओए आप जाइए, पांचों हथियार और पांचों कपड़े और घुड़सारों से घोड़ा जल्दी लेकर आइए मंत्री। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। हो रे याने पल की करी न मारे, अरे सूरत याने अरे चलने की लगाई की लगाई रे, अरे चलने की लगाई सूरत याने, चलने की लगाई रे, अरे चलने की लगाई सूरत याने, चलने की लगाई रे। अरे कोई गल न के बीच पहुंच गयो धोबी धोरे जाई रे, है कोई घड़ी के बीच पहुंच गया धोबी धोरे। सास का धोबी ना हो घर ना धोबी ते बतला को बाकी ते दो चार घंटा इधर धोबी ने का सकुरा तो कूना बाय में भीच के मार देगी, बहुत तगड़ी है अब क्या हल्की देख ली होगी ते ना हल्की बारी छोटी बारी। भैया मैं वो महाराजा का मंत्री, तो मंत्री वो जा रहा हूँ जहाँ धोबी ने कहा है। अच्छा कुम्हार है भैया, बोरो ला दे लगता धोने को।
कमहार है। अरे धोबी के कर चाचा, धोबी के देख ला डर के मारे कांप रहे हो, अब देखना देख लो, मारता मारता खुद मर जाऊंगा। अरे भैया ओए देख ले धोबी के पप्पू पैसा लेगो तो शर्म लिहाज ना है, पैसा के पीछे गेना सिंबाई मैंने फटी लगा दो भैया। अरे महंगा है, अरे गैस महंगी है क्या, गाड़ी से तो सिलेंडर है वो मालूम है महंगा है। ले पैसा ले, पांच छह दिन के लगे चपत ना लग रही, पैसा वाली फर्म है, बड़े बाप की औलाद हूं, छोटी बहू को गोला पैसा ये मोह पे मारूंगा साड़ी के सगरे में दे दूंगा। यार ये बात सही कहा था बहू का छोरा, चलो पार्टी भी चला के 20 रुपए दे रहे तो मेरा कहां चलेगा फिर, मुंह बेच दे बहू और कर लेगी। और मंत्री ने जरा करना बार भेजी कोई घड़िन के बीच में पहुंचे राजन के पास, महाराज की दुहाई। अरे मंत्री क्या बताइए ले आए, या छोरा मो दे दे मो बना एक बीच नौके में ना दूंगी। होए महाराज पैसा तो मैं सबने देवी मैया की कसम है ये थैला भन्न होना चाहिए पैसा नहीं सुन। महाराज हाँ कहिए मंत्री। ले तुम इन्हें कपड़ा न ओढ़ ले वो पहन ले हो, लाइए मंत्री। जय हो मेरी देवी भैया देवी मैया। ले महाराज कपड़ा। ये क्या लाए हो मंत्री? अबे ये क्या लाए हो मंत्री? महाराज मो पता है अपन नाम पीना ले जावर रडुआ बहुत जल्दी ले ले मैं के नाम है मंत्री। ओए ये किसके कपड़े ले आए हो मंत्री? महाराज मुझे ऐसा लगे धोबी ने कछु बदतमीजी कर दी थी, वो धोबी ने कछु ऐसी मजाक सी करे मो सु। मंत्री ये कपड़े हमारे नहीं है मंत्री। तुम्हारे ना है? नहीं मंत्री। क्या के पहले को बाजे मार रहा ओ तुम्हारे चाहिए हमारे कपड़े दीजिए मंत्री। अरे हिंगे ये ले अपने कपड़ा। मंत्री ये क्या है मंत्री? अभी इस काल कोटी नहीं है मंत्री, ना बड़ी बैठती ना छोटी। मंत्री ये किसी लेडीज का ब्लाउज है मंत्री? या के पहले वो न कारे बार हो ले रे पैर नौकर बहू को ले जाऊंगा। मंत्री हमें हमारे कपड़े दीजिए मंत्री। महाराज अपने कपड़ा ले मंत्री। ये भी हमारे कपड़े नहीं है, ये तुम्हारे ना है के पहले को प्रेमचंद सूखो सो यही के आएगी हूँ। मंत्री मुझे लगता है कि तुम किसी लेडीज के बैग को उठा लाए हो मंत्री। मेरे महाराज धोबी नहीं कमी करता, ये प्रेमचंद फेंक रहा है कई बार खरीदिए मेरे सामने। मंत्री आज हम इन्हीं कपड़ों से चलेंगे, आप घोड़ा लेकर आइए मंत्री। ठीक है घोड़ा लाइए मंत्री। जा रहा हूं देख रहा हूं आज घोड़ी ले जाओ घोड़ी। अपनी बहू के लत्तर ले लिया आज यहां को। मेरी बहू को तो एक एक हंसराज की सी बहू है मेरी, एकदम लंबी तगड़ी। अरे राजू
अच्छा अच्छा मेरे राजू तो कुलांगों में काजू आ जा हाँ आ जाएगी बहू आ जाएगी घबरा मत आ जा मेरे राजू अभी कर लंगो रुक जा हाँ हाँ कोई बात ना है रुक छिटकिया मत रुक जाइयो लीद मत मर दे यहाँ तैयो रुक जा अरे राजा घोड़ा रे लायो घोड़े सारे 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 यप धरो सोने रोजी मेरे ओयते जे बोलो रे देवी माई की यप धरो सोने रोजी मेरे यते जे बोलो रे देवी माई की यप धरो सोने रोजी मेरे ओयते जे बोलो रे देवी माई यप धरो सोने रोजी मेरे यते जे बोलो रे देवी माई की रे सजन होए अरे चिरंजीव रहो मंत्री महाराज हाँ कहिए मंत्री ये है घोड़ा याकू बोले घोड़ा और दिन तो छोटे मोटे मिले होंगे याकू बहुत खवाया एकदम ऊंट जैसा कर दिया मंत्री होए ये घोड़ा ही है या कुछ और है मंत्री तो महाराज अपने हाथ से चेक कर ले तो मंत्री वैसे घोड़ा ही है इसे कोई परेशानी तो नहीं है मंत्री महाराज आपको कोई परेशानी ना है या भाई एक ही बात को दुख है वो क्या मंत्री या कि पूछ के नीचे जख्म है रो है तो आपने दवाई गोली नहीं कराई थी दवाई गोली का योग डॉक्टर बिक्की बारे तीन तीन इंजेक्शन लगा रहे वैसे घाव तो सूख गया थोड़ा थोड़ा मंत्री इसे हिला दिया है मंत्री आपने हाँ पैसा तो पढ़ो लिखो है मंत्री इसे चला कर दिखाइए चलाइए मंत्री चला रहा हूँ पहले हंस ले तो और हंसो अरे चलाइए मंत्री चला रहा हूँ चलेंगे हटेंगे बैठेंगे खड़ी खड़ी मोहतर राजा साहब मंत्री ओए ये चल कैसे नहीं रहा है मंत्री महाराज चल कैसे ना रहो है हमारी दिमाग में कमी है वो क्या मंत्री वो चाबी रह गई या की घर मंत्री घोड़ा भी चाबी से चलता है या की चाबी पूरे अलीगढ़ में बच गए एक ही जगह बने महाराज मदार गेट तो चला के दिखाइए मंत्री चलेंगे हटिंग हटिंग बैठिंग बैठिंग
मंत्री मुझे लगता है आपने बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है। महाराज के तक घोड़ा मैं घोड़ी और बढ़िया सिखाऊंगा। तो चलिए मंत्री और चलते हैं। आ जाओ चलो यहाँ पे। मंत्री इसका आकार बहुत बड़ा घोड़े का। महाराज 6 महीना की कमाई सभी आई को खवा रहा हूँ। कई क्विंटल तो चलन ने खा हुआ है। तो चलिए मंत्री और शिकार के लिए चलते हैं। या मैं आग दे दूं सब घोड़ी सब बाहर राख है अकेलो ही। घुड़सार में तो जानी ना देवे। चलिए मंत्री और चलते हैं। चलिए मंत्री। चलिए महाराज। और राजा पाम पामोड़े में धर लियो। राजा पाम पामोड़े में धर लियो। हे मंत्री ये आप क्या कर रहे हो मंत्री? ये चौकरों आदमी ने देखे हैं। मंत्री जरा आराम से चलिए। और राजा मजले मजले कीरे चाल में। राजा मजाल मजाल कीरे चाल में। चाल में और वो पड़े मजल पे जाए अतिजे बोलो दीदी माई की चले अनु। और राजा कोई घड़ी ने केरे बीच में। राजा कोई घड़ी ने के बीच में। राजा कोई ने घड़ी ने के बीच में। राजा कोई ने घड़ी ने के बीच में। वो नंगर में ही पहुंच जाए रे यदि बोलो तेरी माय की। राजा कोई घड़ी के बीच में और नंगर में पहुंच जाए तुझे बोलो देवी भाई की। महाराज ये घोड़ा कैसे रोक दिया? दौड़ा हो मेरे न कैसे रोक दिया घोड़ा? मंत्री आपको और भी कुछ दिखाई देता है? मेरी बात सुनिए मंत्री। और राजा चारे तारा भोले हारी। राजा चारों तारा भोले हारी। राजा चारों तारा भोले हारी।
तारा भोले हारी राजा चारो रे तारा भोले हारी राजा चारो तारा भोले हारी राजा चारो तारा भोले हारी हो जाके भंगिर नजर पर जाए रे मेरे राम राजी रे बिदा नारती के भंगिर नजर पर जाए रे तो पूरा भांग नजर पर जाए रे मेरे राम रती रे बिदनारती भंग नजर पर जाए रे तो तोरा मैं लिख रे बिदना कहो सुना मंत्री के राजा चारों तरफ निहारिए और या के भंगिन नजर पर जाए मेरे राम रची बिदना कहूं मंत्री मुझे सामने से और उस नगर की मेहतरानी आती ही नजर आती है मंत्री मंत्री इस घोड़ा को एक साइड बैन दीजिए और देखते हैं ये कोई नुकसान करती है असगुन करती है या सीधी जाती है मंत्री हेलो 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 और नव नव के सकेर गली हारो रोज की नाता में हमारो नव नव के सकेर गली हारो रोज की नाता में हमारो नव नव के सकेर गली हारो रोज की नाता में हमारो नव नव के सकेर गली हारो रोज की नाता मंचावली वाले जयमाला स्टेज वाले ये माता रानी के चरणों में हमारी महतरानी के पाद में खुश होकर के ये 11 रुपए दान करते हैं माता रानी भंडार पत्र वो सच्चे दरबार की और टी को मुंह पे बिंदिया मुंह पे टी को मुंह पे बिंदिया मुंह पे और टी को मुंह पे बिंदिया मुंह पे टी को मुंह पे नकली को लगाए गयो तारा रोजी नहाता में हमारो अरे नवी नवी के सके रुगले हारो रोजी नहाता में हमारो भैया घर ते तोरे भंगने चली भैया घर ते तोरे भंगने चली ओ भैया घर ते तोरे भंगने चली लला घर ते तोरे भंगने चली भैया ने चलने को धरे लियो ध्यान रे या तीजे बोला रे तेरी माई की भैया ने चलने को धरे लियो ध्यान रे या तीजे बोलो रे देवी माई भैया कोई रे घर न के बीच में लाला कोई घर न के बीच में भैया कोई रे घर न के बीच में लाला कोई रे घर न के बीच में और चौराहे पे पहुंची जाए रे या डीजे बोला रे देवी माई की ये चौराहे पे पहुंची जाए रे या डीजे बोलो रे देवी माई की भंगने राजा देखे आवते भंगने राजा देखे आवते भंगने राजा देखे आवते भंगने राजा देखे आवते भंगन अंदर तो के हमारती यम अंदर तो के हमारती भंगने अंदर तो के हमारे भंगने अंदर तो के हमारती और वो तो झाड़ रही बजाए रे पीछे बोला रे तेरी माई की ये तो झाड़ू रही बजाए रे या तेजे बोलो रे देवी माई की हंगने पीठ फेरे ठाड़ी भाई हंगने पीठ फेरे ठाड़ी भाई ओ हंगने पीठ फेरे ठाड़ी भाई हंगने पीठ फेरे ठाड़ी भाई मन में अवसर गुने मनाए रे या
बोले रही मनाए रे भैया तेज बोलो रे देवी मां मंत्री ये जो सामने से मेहतरानी आ रही थी मंत्री इस मेहतरानी ने और हमें देख करके अपने सिर से उतार के टोकरा उल्टा जमीन पे मार दिया है मंत्री। अच्छा और बाएं पैर की ठोकर से इसने धूल उड़ाई है मंत्री। आप इसके पास जाइए और जाके इसमें डांट लगाइए मंत्री। रे मारा डांट की बात कर रहे हो मैं तो पूरी बोतल लगा दूंगा मंत्री। मैंने उस डांट के लिए नहीं कहा मंत्री। हमारी तो डांट खिंच गई अब के चाल के ना दिमाग तो सही है मंत्री। आप इस मेहतरानी के पास जाइए और इससे मालूम करिए कि मेहतरानी आपने उल्टा टोकरा मार के ये जो हमारा असगुण किया है इसका क्या कारण है ये हमें बताइए। ठीक है महाराज जब क्या तुम घी में लगो मैं आ रहा हूँ। जाइए और मालूम करिए मंत्री। ओ भंगी के नौकरो मैं तो और चल के देखो यार महाराज ने कहा कि यार मैं तो भूल गया मेरी तो आवाज भी भीतर को जा रही है। आगो ध्यान ओ चंडोस के ओ मेहतारी ओ मेहतारे रे रला सुन ले कैसे दस्ती लग गए महाराज महाराज क्या बात हुई मंत्री। महाराज हमने एक चीज देखी आज। क्या मंत्री महाराज वाक अखबारों अखबार वाक पिछवाड़ो है ही ना। क्या कहा मंत्री बाको पिछवाड़ो अखबारो है ही ना। मंत्री कभी कहते हो अखबारा है कभी कहते पिछवाड़ा ये बात क्या है मंत्री। महाराज मैं गयो जैसे तुमने कही कही ऐसा ही कही मैंने। कैसे कहते मंत्री। ओ मेहतारी। अबे मेहतारी नहीं कहते मंत्री और उसे कहते हैं उसे मेहतरानी कहते हैं मंत्री। जो मेरे हिस्सा मारे का उन्हें पैसा न दे दे तो मैं जा रहा हूँ अपने घर को। क्यों मंत्री तो ऐसे मारे करे बुरी तरीका से और के अरे अब तो करी रे भंगन ए रे भंगन तो पर कहीं मरो ना जावे ओ रे का कर रहिया जी मंत्री। होए उसे मेहतारी नहीं कहते उसे मेहतरानी कहते हैं। मेहता हम पे ना कहनी आ रही यानी आप पे मेहतरानी कहनी नहीं आती मंत्री। तो मंत्री उसका एक नाम और भी है। कौन सा। उसे भंगन कहते हैं मंत्री। तुम्हारा देखकर दिमाग सही तो है क्यों क्या बात है मंत्री। तुम एकदम नो बताओ अरे काड़े ते काड़ो कहोगे एकदम को सामने आएगा यानी आप अंगन कहोगे तो बुरा मान जाएगी। और तो मंत्री देखिए वो हमारे महलों की नौकरानी भी। अरे बढ़िया नौकरनी। हाँ जाइए जाइए और मालूम करिए मंत्री।
नौकरी है तब वही तो एक देखा फर्क है रहा दस है जाएंगे ओ नौकरी दसवा में भी सही ओ नौकरी दसवा में भी सही ये अपने बोल जाओ महाराज वह मैं कछु वैसे लगे कछु अरे मंत्री जाइए उसे आवाज दीजिए आपके बोल जाएगी मंत्री ओ नौकरानी अरे कौन है सत्यानाशी कोपड़ा भारे कैसे ताता ने दिखा रहा राक्षस ने और कर रहे हैं दिखाऊं तो गुली कार कर ले क्या बात है एक बात बताइए हाँ अरे कछु किए गो कि ना किए गो तुम मोते कछु करना सको ने बेहा हराम कछु तो झाड़ी बजाऊंगी तुम ओए गाड़ी मत दे तेरी टैक्सी अब पैर दे तो को भाई एक चाटे में पेट में मुंह देगो तू कछु ना कहेगी और कर लियो तो हाथ लगा के देखिए मार देख मार देख रहा हूं कितनी ताकत है तो मार तो सही मार चलो जा हराम जाते अरे मार ना माने मार तो सही ना मानेगा तू मार तो सही ना मानेंगो देख ले ना मानेंगो मुंह तो तार दंगो देख ले रुक जा ले ले रुक जा अब कैसे गीत से गावे महाराज अरे तेरे बाल कनकू भगवान खा जावे अरे तो तू ये खा जावे हराम के चोदे महाराज क्या बात है मंत्री हमें नौकरी नहीं करनी है क्यों मंत्री महाराज गेरा तुम्हारा ताज अभी से क्यों उतार रहे हो मंत्री गेरा तुम्हारा मंगलसूत्र गेरा प्रेमचंद का हार अभी ने क्यों उतार रहे हो मंत्री अभी ने क्यों उतार रहे हो मंत्री अभी ने उतार क्यों रहे हो मंत्री हमें नौकरी ना करनी अब हमारी तुम्हारी राम राम ये बढ़ती पहनी है मंत्री हमें नौकरी ना करनी पहनी है मंत्री हमने कह दी नौकरी ना जब किसी लेडीज से आप इस तरीके से बोलोगे तो पिटोगे या बचोगे ऐसा पिट भी जा मैं मंत्री हाँ देखिए जब कोई बात समझ में नहीं आए अच्छा तो तसल्ली से और आदमी को दिमाग लगाना चाहिए आप उसके पास दोबारा जाइए दोबारा जाऊं हाँ मंत्री और उससे कहना कि राम राम जी अच्छा जब वो राम राम का जवाब और राम राम से दे तो उससे पूछना कि आपका नाम क्या है अच्छा जब वो नाम बता दे उसके बाद पूछना कि आपने उल्टा टोकरा मार के जो अजगुन किया है इसका क्या कारण है इसे बतलाइए जब बढ़ेगी आगे की बात ला हाँ जाइए और मालूम करिए याद है आपका आपका बात बड़ा लगो लहरी ले राम राम कहाँ जा रहा है राम राम मंत्री क्या बात है क्या कहना चाह रहे बोलो सही कह दिए जनानी के नाक ना हो तो गु खा ले हम तो कह रहे राम राम जी क्या है मंत्री क्या बात है झटका से मार रही है प्यार से दिल को तसल्ली सी लगे तो अच्छा बताइए क्या बात है
भेजूंगा, रुक जा भेजूंगा भाई, रुक जा तुम्हारे लिए भेजूंगा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। थारी कह रहे हैं वो नवी मेरे माई को देखो तो मुझको मत देखो, कैमरा मेरे माई है। हाँ कहीं तुम्हारा नाम क्या है? नाम है तो नाम क्या करोगे तुम? बिचौला में जनगणना है, ये राशन मिलेगा बालकन को, राशन मिलेगा। हाँ मैं मेहतरानी हूँ मंत्री। कौन की मेहतारी है? मेहतारी नहीं मेहतरानी, यानी नौकरानी। कोई नाम ना है मेरो? नाम सुनेगा? नाम बता, मेरी बात सुनिए। सुनिए मंत्री बतलाइए। अरे मेरा नाम है हसीना, सुनिए तेरी मेरी तो टांग टूटी नाम सुनते ही। अरे मेरा नाम है हसीना, और छज्जे नीचे जीना, मुझे आता है पसीना बड़ी जोर से। सुनिए मंत्री सुनना हूं। आपने तेरा नाम हसीना? मेरा नाम हसीना है। मोते तू कभी फसीना तोती, मैं नौकरी मोह का मोहल्ला बना दूंगी, थुतरी की चौपार। क्या कहना चाह रहा है तू, बात बता। सुन ले तेरा नाम क्या वैसे मंत्री? हाँ मेरा नाम भी है। क्या नाम है मुझे बताई? मेरा नाम है, क्या नाम? मेरा नाम है जीजा। हेलो मेरा तो खूब देर हुआ है, जैसे टूवल पानी दे वे दवा के तो पैसा ले लेना, पैसे बारी पकड़ ला रीट बारे। तू भी मारे हो का? हो इनकी मैं तो अब तो बैटरा डाल दिया है, अब तो इनको सेट। हेलो हेलो, क्या नाम है मंत्री? नाम क्या है? मेरा नाम जीजा है। जीजा? हाँ। अरे जीजा कोई नाम होए करे? और नाम ना होए करे? ऐसा कैसा नाम है जीजा? सुन ले सुना। मेरी माँ ही मेरी माँ। अच्छा, मेरी माँ के पांच सात छोरा भाई, एक संगी, एक संगा को मशीनी, एक एक करके भाई छोटे छोटे से। अच्छा, भगवान की दिया ऐसी आई, सब मर गए। सब मर गए? अरे तू कैसे रहेगा सत्यानाशी? तो बताऊंगा मैं कैसे भयो? बताइए। तू दुखना होगा मेरे भैयन को मरने को। दुख है मंत्री, तुम बताओ तुम कैसे हो? भगवान की दया ऐसी भाई, सब मर गए। अच्छा, फिर मेरी माँ बोली सब मर गए कैसे करूं? मेरी माँ मंदिर में जावे। अच्छा, मस्जिद में जावे अजाल लगाने को। कोई धर्म ना हो? अरे बालकन के पीछे धर्म कर्म देखो जा रहा है ना। सही बात है। और एक दिन तो जो हमारे भगत जी है ना, ये कहाँ के हैं, वो इतना तो नाम ना है, ये शिकारपुर की, शिकारपुर के। एक बार रात को शिकारपुर में पहुंची 12 बजे, 5 मिनट कमी 12 बजने में। अच्छा, फिर मंत्री बोले लाली कैसे आई है? हाँ भगत जी आई का बालकन को आई हूँ। बालकन को? फिर भगत जी ने, भगत जी ऐसे उल्टे सीधे से पाव बता दिया टंटर मंटर। भगत जी ने नौकरी, तू दूसरे के बिटोड़ा में आग लगा दिया, तेरे बालक है जाएंगे। हे ऐसे भी बालक होएगा? ये टोटका होएगा। अच्छा, मेरी माँ का काम करो। क्या करा मंत्री? हमारी सास के जेठ में आग लगा देगो, जेठ के बिटोड़ा में आग लगा दे। फिर भगवान की दया भाई, फिर भयो में, यानी पहलवान तू इतना ही बड़ा हुआ? तू इतना बड़ा होगा टंकी तू करी दौड़ा करके। मैं बाकी
खली की एक्शन दिखा रहा हूँ खली की। अच्छा फिर मंत्री फिर तुम हो गए। मेरी माँ होते ही नौके बेटा मेरे पांच सात तो मर गए तू तो जीजा और बाप भी आयो हर चला गए एकदम गुस्सा में छोरा भयो मेरे एकदम जिंदो। फिर मंत्री मेरा बाप बर्द खोल दिए दूसरे के खेत में जाना छोरा भाई खुशी तगड़ी बोले आगा बेटा मेरे के पांच सात तो मर गए तू तो जी जा। अच्छा गांव में भी हल्ला है जावे जब कई बैयर बानी के बालक हो है तो पड़ोसी बड़े बूढ़े ने पतो पर गई वो बोले अरे भैया अरे बाख तो अरे पांच सात मर गए अरे तू तो जी जा। फिर मंत्री भाई दिन ते मेरे नाम भड़को जीजा एरो भी लगू नाल यानी कि तू सबको जीजा है नाम है ऐसा नाम है हाँ। वैसे तो असली तो कालो निकुंज को जीजा हूँ ऐसा नाम है वैसे मेरे वैसे ही। हाँ मंत्री क्या बात है एक बात बतलाइए कहीं हम शिकार खेलने के लिए जा रहे थे अच्छा और आपने ये औंधा टोकरा मार करके आपने हमारे महाराज का असगुन किया है उसका कारण बतला सकती हो यानी तुम इसका कारण पूछना चाहती हो। हाँ मंत्री इसका कारण मैं आज तुम्हें नहीं बताऊंगी आप अपने महाराज को भेजिए आज मैं उनको ही बताऊंगी। ला सब पैसा दे सबरी पैसा दे सब निकाल निकाल का पैसा दे अपने घर को जा रहे हैं काय खुशी में। अरे हमें डेढ़ घंटा है वो हमें एक रोटी को ठूक भी ना दियो कहना है वो पूरी करने सटकी सूखी सूखी के पैसा दे देंगे होटल पे खा तो लगो चुनार पे बैठेंगे ये सगरी देंगे सुबह को। अरे विदा कर देंगे मैं ना महाराज को बताओगे। हाँ थोड़ी सी तो बता दे हमको जा रहा का छितेगा मैं छितने को ना आया पिटने को आया हूँ। हाँ तो पीट भी दोगे छेद भी दोगे निकल महाराज कहिए मंत्री जान आपत में आ रहे ले बात अभी क्या हुआ मंत्री वाले मना करते ही मौसम सपा कैसे मंत्री तो कहते ही तेरे बस की ना है अपने महाराज को भेज यानी आपको और कुछ भी नहीं बताया हम तो मरे गिरे सब रहते हैं वाले हम वो ऐसे ही आठ मास के बाप है भाई ये तो चल लो नमे की तैयारी है ए? चलिए और हम मालूम करते हैं मंत्री ए मेहतरानी मैंने कहा महाराज मेरी तरफ से आपको नमस्कार चिरंजीव रहो मेहतरानी कहिए महाराज मेहतरानी हाँ हम अपने महलों से और सुगन बना करके शिकार के लिए निकले थे जी लेकिन आपने ये उल्टा टोकरा मार के हमारा जो असगुन किया है इसका क्या कारण है मैत्रानी महाराज मेरी बात सुनिए कहिए मैत्रानी ये बेल पत्थर हमारे संगी ये छह महीने आपको गोद ले लियो मैंने वो पहना है ना अच्छा अच्छा ये मैत्रानी मेरी बात सुनिए महाराज अरे राजा अरे राजा और तुम निर्वाण सीरा राजा तुम निर्वाण सीरा जे हो तुम हाँ बताइए हमारे महाराज का कहना है क्या कहना है आपको राशन देना है। अच्छा चलो हमारे संग भीतर को भीतर को
और कम उठ रही है बोरी अकेले पे नाच के चली। चलो या के नीचे या पर्दा उठाओ या के नीचे नाच। मैं ना घुस रही आगे नीचे देवे तो बाहर से देते नजर हंदे। हाँ और ये घर मालिक आ जाए और माँ की छुंदरी चढ़ने के लिए जा रही है और जोड़ा के साथ आए ठीक है। तुम्हें राशन चाहिए ना? हाँ। कुछ हिसाब किताब भी है जाए वो आधा आधा भर ले। मैं नौकरी मारूंगी बहुत हराम जाते देख ले। कल कह रही मोगु को दे जा 50 रुपए मेरे बीपी लो है रो है मेरे बात ने भूल गई मंत्री। ओए दीजिए राशन दीजिए मुझे ठीक है तो आजा शाम को आजा मां सब दंगे दिए मंत्री ठीक है। हाँ आप जाइए जाऊं और का ठीक है ले जाया तुम काहे सारे से कर रहे हो। तुम एक बात बतलाओ बेटियां वो एक बात बताओगी पूछो तुम्हारो लहड़ो कितने हुए? मेरे मेरे लहड़ो है 3.5 3.5 और यू भी कोई 3.5 को हिसाब हो बे सभी भी 3.5 बालक ना हो मैं 1 2 3 5 6 चलो 6 तक लिमिट है। 6.5 में कहाँ चलो जा रहे कहाँ बे साढ़ो मेरे 3.5 है कैसे बताइयो तुम्हें राशन दे रहा पूछ रहा। अरे देखना भी है अरे देखना भी है ओ ना मानोगे ना मानेंगे 3.5 ना जाने करो ना एक तो दे मेरे यू बैठो तुम भी जाना 3.5 वैसे ही डोल लियो जाना तो बहुत हो बताना रही मंत्री। हाँ एक तो देखो मेरा यू बैठो चश्मा लगा के डोरीमोन यू अच्छी को यही है मुझे तो ऐसा लगे पीछे से लाई दी गई होश में बोलियो यहाँ की बार को मैंने बड़े बलात्कार करे मैंने कहा। और ये आई भक्तों इतनी देर से मां नंगे सीस बैठी हैं और आई मां को चुनरी उड़ाएंगे कल सच्चे दरबार की के तो सच्चे दरबार की ए जियो में नाम सबसे बड़ा और याते बड़ो ना कोई और जो या को सुमरन करे तो बाकी शुद्ध आत्मा हो के तो सच्चे दरबार की बोल मैया की प्यार की और पवन ओला के ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया पवन उड़ा के ले
सीताजी के मन को भाग गई रे मेरी माँ की चुनरिया, और सीताजी के मन को भाग गई रे मेरी माँ की चुनरिया, सीताजी के मन को भाग गई रे मेरी माँ की चुनरिया, और बाबा ने उड़ा के ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया, बाबा ने उड़ा के ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया।
जल का लोटा लिया रे हाथ में, जल को लोटा लिया रे हाथ में, जल का लोटा लिया रे हाथ में, जल का लोटा लिया रे हाथ में, पग ही तरह महाराज के लिए दासी का प्रणाम स्वीकार हो, संजीव रहो महारानी। महाराज आप मंत्री को साथ लेकर के शिकार खेलने के लिए गए थे, आज तो आपका चेहरा बहुत उदास दिखाई देता है। जब कभी शिकार खेल करके आते थे तो आपका चेहरा फूलों की तरह चमकता था, ना जाने आज क्या बात है, चेहरे पर काफी लौलुप दिखाई देते हो। ऐसी कोई बात नहीं है महारानी जैसा कि आप सोच रही हैं। हमारी बात सुनिए महाराज। कहिए महारानी। अरे हाथ जोड़ के कहूं पलम जी, अरे सुन ले ओ ध्यान लगाइए, उदासी आज पिया तेरे क्यों मोर पालब छाई रे, जरूर कोई बात है महाराज, या मुझे कुछ ना कुछ बातों को छुपा रहे हैं। क्यों ना साज बताव पलम मेरे दिल को पलम मिटावे, हो हमारे और मैं हूं तुम्हारी,
अरे तुम हो हमारे और मैं हूँ तुम्हारी, तुम हो हमारे महाराज हूँ मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। अरे तुम हो जो सूरज तो मैं हूँ हर किरने, अरे तुम हो हमारे और मैं हूँ तुम्हारी। महाराज अगर मुझे नहीं बताओगे तो किसके लिए बताओगे? महाराज क्या घोड़े पे से गिर पड़े हो या कोई खाली शिकार चला गया है या किसी कोई शिकार नहीं मिला है? महाराज हमारी बात सुनिए। कहिए महाराज। अरे राजा कैसे तो चेहरा त्यारो आने मानो, चाहे कैसे तो चेहरा त्यारो आने मानो, ओ राजा कैसे चेहरा त्यारो आने मानो, चाहे कैसे चेहरा त्यारो आने मानो। अरे त्यारो कैसे चित्री उदास रे, मेरे करा में लिखी है भगवान ने, राजा क्या घोड़े से गिर पड़े, हर क्या खाली गयो है शिकार रे, मेरे कलम लिखी भगवान ने। महाराज क्या घोड़े से गिर पड़े हो या कोई खाली शिकार चला गया है? हमारे तो महाराज बोल ही नहीं रहे हैं, मुझे लगता है हो सकता है मुझसे ही नाराज हो। महाराज मैं तो तुम्हारे पीछे हर व्रत करूं, करवा चौथ भी बढ़ती रही अब के। कोई गहरी बात है महारानी, यदि इन बातों को आप ना पूछो तो बहुत अच्छा रहेगा महारानी। महाराज अगर मुझे नहीं बताओगे तो किसके लिए बताओगे? मैं आपके साथ साथ फेरे लेकर के आई हूँ, जितना दुख आपको होता है उतना ही दुख मुझे होता है, बताइए ना महाराज किसके लिए बताओगे? मुझे नहीं बताओगे तो हे प्राणों प्यारी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो महारानी? भला आपसे बढ़के और मुझे कौन प्रिय हो सकता है महारानी? नहीं पिया जी, आपको आज मेरी सौगंध है, मुझे अपना हाल बताइए। आपके चेहरे पर क्यों कर उदासी दिखाई देती है महारानी? अगर नहीं मानती हो तो मेरी बात सुनिए महारानी। कहिए महाराज। अरे रानी इन बातन ने मत पूजी, क्या ही इन बातन री मत पूजी, रानी इन बातन ने मत पूजी, क्या ही इन बातन री मत पूजी, भगवान ने, ओए ओए बहुत दुख या
सुना महारानी। क्या कहा महाराज? के रानी इन बातन ने मत बूझिए और तुम्हें होएगो दुख अपार मेरे कर्म लिखी भगवान ने। महाराज अरे मैं मुझे क्यों दुख होगा? अरे जितना दुख आप दे सकते हो उसके आधे दुख की सहकारी मैं हूँ। महारानी यदि नहीं मानती हो तो मेरी बात सुनिए। कहिए महाराज। अरे रानी खेलाने का है महाराज। क्या कहा? कि रानी खेलन गई शिकार अरे मेरे भंग ने आ गए पड़ गई। कि रानी बोले गर्व के मुंह से बोल अरे ठाड़ी तो ऐसे कह रही। ऐसे क्या कह दिया महाराज? सुनिए महारानी कहिए पिया जी। अरे रानी तुम्हें तो पता ही जन्म गिरे बांध मेरी ब्याही। क्या ब्याही दे तेरी का मंडल मेरे महारानी। क्या कहा? के रानी ते तेरी कमंडल मेरे हाथ में और कहीं बन में रहो जाए मेरे कर्म लिखी भगवान ने। महारानी कहीं पिया जी आज तो हमारे नगर की एक महतरानी ने ऐसा कहा है कल ना जाने हमारे नगर की और ये प्रजा क्या कहेगी। महारानी पिया जी अगर तुम्हें बनिर्मल से कहा है तो मुझे भी तो बांध कहा है क्या करूं मेरे कोई बेटा या बेटी नहीं है। हे परमात्मा अगर किसी को औरत बनाए तो उसकी कोख से बेटा या बेटी का जन्म जरूर देना
क्योंकि सबसे बड़ा दुख बांध का होता है। और ये बिमला और सरोज ये दोनों समदन मिलकर के महामाई के जगराते में 20 रुपए दान करती है, माता दी मनोकामना पूरी करे। खूब खूब धंधे भंडारे भरती है वो दरबार की। हे जी लकड़ी चल कोला भाई और कोला चल भैरा हर में पापिन ऐसी जली हर कोई कोला रही ना। हे हे पति भगवान ने हमें लिया सब तरह से बेटा दस दस खेले लगती है। झूठी बातों से दिल नहीं भरता और जब दर्द होता है दिल में तो हर बात बुरी लगती है कि अपना भी कोई अपना होता है और जिसके संतान न हो पिया हर दिल का सपना हो। हे भगवान, हे मेरे प्रभु, अरे तूने सब कुछ दिया
अगर हमें कोई एक बेटा दे देता तो दुनिया वाले हमें बात नहीं कहते। हे प्रभु, अरे तूने सब कुछ दिया हो, कुछ भी ना दिया, दिया ना मेरे घर का, दिया ना दिया, दिया ना मेरे कुल का, दिया ना दिया। भैया सब कुछ दिया, भैया सब कुछ दिया और कुछ ना दिया, दिया ना मेरे घर का, दिया ना दिया, दिया ना मेरे घर का, दिया ना दिया। भैया सब कुछ दिया, भैया सब कुछ दिया पर कुछ ना दिया, दिया ना मेरे घर का, दिया ना दिया, दिया ना मेरे घर का, दिया ना दिया। शब्द आंसू बहाने के नहीं सिखलाए जाते हैं, जब दर्द होता है दिल में तो आंसू आ ही जाते हैं। उजाले में होता जो मेरा ये घर, तो काहे को जलता ये मेरा जिगर। तूने गुल तो दिया, तूने गुल तो दिया, गुल सनना दिया, दिया ना मेरे घर का, दिया ना दिया। तूने गुल तो दिया, तूने गुल तो दिया, गुल सनना दिया, दिया ना मेरे घर का, दिया ना दिया, दिया ना मेरे घर का, दिया ना दिया। और पिया जी, और क्या कहिए महारानी, कहते हैं कि जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास पैसा है यार, रिश्तेदार पूछते के भैया कैसा है, Ha 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 ha!
सब कर गए, जिन्हें अपना मैं समझी जला कर गए, वो मेरे ही दिल में जख्म कर गए। तूने कब ही दिया हे माँ, तूने कब ही दिया, कुछ भी ना दिया, दिया ना मेरे घर का दिया 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 ना दिया। और क्या कहिए महारानी, बहुत दूर से तेरे आई उदल, अरे रहमत की कर दे ना मुझ पे नजर, बहुत दूर से तेरे आई उदल, अरे रहमत की कर दे ना मुझ पे नजर, बहुत दूर से मैं तो आई उदल, तू रहमत की कर दे तू मुझ पे नजर। मन को गए थे पिया हे माँ, मन को गए थे पिया जब लोई सिया, दिया ना मेरे घर का मेरे घर का दिया ना दिया, दिया ना मेरे घर का दिया ना दिया। मेरे घर का दिया ना दिया, दिया ना मेरे घर का दिया ना दिया, दिया ना मेरे घर का दिया ना दिया, दिया ना मेरे घर का दिया ना।